हाँ जी वीवर्स, ये देखे बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन मैं बच्चों को साथ, दोनों मेरे साथ आए हैं छोटे बच्चे, क्योंकि मोहम्मद रहमान अपनी मर्ज़ी के कपड़े लेता है, इसको ज़रा मेरी पसंद पे ना थोड़ा सा डाउट होता है, और बड़ा जो मोहम्मद काशिफ उसके खुद ही लेके जाती हूँ। तो हिबा मुबीन भी मेरे साथ ही है। ये देखे रश है, रश से गुजर के हम आगे जा रहे हैं, ये आगे जो जिस शॉप से मैं कपड़े लेती हूँ बच्चों के, वो आगे थोड़ी सारी शॉप है। हाँ जी, बाज़ार में तो रश है, लेकिन SOPs का ख्याल रखना है, मास्क पहन के आएँ। हम लोगों ने भी मास्क पहने हुए हैं, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करेंगे तो मरज़ से बचेंगे ना। ये जो शॉप जो बच्चों वाली है थोड़ी सारी आगे है, मैं उस शॉप के लिए थोड़ा सा मुझे आगे जाना पड़ रहा है, इसलिए ये इस शॉप पर हम पहुँच आए हैं। ये देखें, इस शॉप से हमने कपड़े ख़रीदने हैं बच्चों के, इस पर पहुँच आए हैं। आप कपड़े लेते हैं मोहम्मद रहमान के, और फिर वहाँ आप लोगों को दिखाते हैं घर जाके क्या क्या चीज़ें हमने ख़रीदी हैं। मोहम्मद रहमान को कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि कमीज शलवार जिसने वो ना जिस तरह की कह रहा था, इस तरह की हमें मिल नहीं रही थी, इसलिए मुझे दो तीन शॉप पे चक्कर लगाने पड़े हैं। पैंट शर्ट तो एक ही शॉप से हमने ख़रीद ली थी, लेकिन कमीज शलवार के लिए ना इसने तीन चार शॉप में मुझे बार बार चक्कर लगवाए हैं कि मामा इधर से नहीं पसंद आ रही, इधर से पसंद नहीं आ रही, फिर भी इसको पसंद नहीं आई। हाँ जी वीवर्स, अब हम घर जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि रहमान ने मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया है। ये देखिए अब शाम हो गई है, इसने एक कमीज शलवार का कपड़ा लिया है, वो खुद दर्जी से सिलाएगा अब अपनी मर्ज़ी का। अब हम घर के लिए निकले हैं। ये देखें रास्ता, मैंने कहा थोड़ी सारी आपको वीडियो दिखाएँ अपने शहर की भी, आपके साथ शेयर करें। ये मैं आपको अपना जो घर से बाज़ार तक का रास्ता है वो आपको दिखाती हूँ कितना है हमारा। ये टिम्बर बाज़ार से हम वापसी पे आ रहे हैं, रास्ते में हमारा फवारा चौक आएगा जो मेन है, उसके साथ डिग्री कॉलेज भी है, वो आप लोगों को दिखाते हैं, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते हैं। आपको हमारी ये थोड़ी सी शॉपिंग की वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखें, ये फवारा चौक आ चुका है, ये साथ डिग्री कॉलेज है, ये डिग्री कॉलेज है साथ है। मैंने कहा थोड़ी सारी आपके साथ शेयर करें अपने शहर की लोकेशन भी। आप लोग कैसी वीडियो लगी हमारी, कैसे आपको पसंद आया है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और कर भी रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो अपने बहन भाई के साथ हमने शेयर करनी होती है, आप लोग हमारी फैमिली हैं, आप लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत खुशी होती है। हाँ जी, ये थोड़ा सा रास्ता रह गया हमारे घर का, अब घर पहुँचते हैं। हम घर पहुँचेंगे तो फिर हम लोग आपको अपनी शॉपिंग दिखाएंगे जो हमने बच्चों की है, और मोहम्मद रहमान ने जो की है अपने लिए, और मोहम्मद काशिफ की तो मैंने खुद ही कर ली थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाता, लेकिन जो मोहम्मद रहमान है ना, वो अपनी हर चीज़ जो है ना अपनी मर्ज़ी कहता, मामा जी बस ये मैचिंग ठीक है, ये शर्ट ठीक है, ये शूज़ ठीक है, उसका थोड़ा सा इशू रहता है। अब घर पहुँचते आपको शॉपिंग दिखाते हैं अपनी। ये हमारे बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग थी, मैंने कहा अपने वीवर्स के साथ ये शॉपिंग थोड़ी सारी अभी शेयर करें, क्योंकि शॉपिंग करने का तो कोई, क्योंकि महंगाई इतनी है, खर्चे कम नहीं होते, जो कपड़ों की शॉपिंग है वो भी आपको पता है कपड़ों की कीमत कहाँ तक है, लेकिन फिर भी ना ना करके भी एक एक दो दो बच्चों का सूट बना ही लिया है, कि कोई बात नहीं, बच्चों ने ईद पर कपड़े तो पहन नहीं पहनने बच्चे तो। हाँ जी वीवर्स, हम लोग घर आ गए हैं, मैंने कहा जो शॉपिंग थोड़ी बहुत बच्चों की है वो अपने वीवर्स के साथ शेयर करें, आए आपको दिखाते हैं। ये वाला सूट मैंने लिया है मोहम्मद काशिफ का, पैंट शर्ट, ये टी शर्ट ली है मोहम्मद काशिफ ने, क्योंकि गर्मी है, उसने कहा मेरे साथ ब्लैक पैंट लेनी है, ये उसके साथ हमने ब्लैक पैंट ली है, ये वाली ब्लैक पैंट ली है, ये शर्ट में डिज़ाइनिंग भी ब्लैक है साथ है, उसने ये वाली पसंद की थी, ये वाली मैं लेके आई हूँ उसके लिए, और ये उसकी पैंट शर्ट लेके आई हूँ, ये आजकल बहुत चल रही है ये वाली, ये पैंट इसलिए इसकी ये वाली ली है पैंट, ये कॉटन के साथ शर्ट है, ये फुल बाजू वाली है।
ये डिज़ाइनिंग भी अच्छी थी इसलिए ये वाला कलर मैंने ले लिया। और ये लिए मोहम्मद रहमान ने, उसने खुद पसंद की थी, साथ गया हुआ था वो, तो उसने ये वाला कलर पसंद किया। ये पैंट उसने साथ मैच की है और ये वाली उसने शर्ट साथ इसके साथ मैच की पैंट के, ये उसने खुद ये कंट्रास्ट किया है मोहम्मद रहमान ने। और ये दो मोहम्मद काशिफ के हैं, एक एक सूट उन्होंने ब्लैक कलर का लिया है काटन का, और दर्जी को सिलाई के लिए दिया हुआ है, वो भी आएगा आप लोगों को दिखाएंगे कैसा उन्होंने सिलाई करवाया है। वीवर ये कपड़े मेरी दोनों बड़ी बेटियों के हैं, ये देखें ये लोन में ही है, ये कढ़ाई वाला है, एक दो सूट लेके लोन के हमने घर में सिलाई करवाए हैं, ये रेडीमेड है, ये देखें रेड कलर का, इसकी कढ़ाई बहुत अच्छी हुई है इसलिए ये मैंने ले लिया था। इसका फ्रंट भी देखा है, ये देखिए फ्रंट वाले इससे भी कढ़ाई हुई है, ऊपर वही गले के नीचे ना वो कढ़ाई है सारी। ये शर्ट ट्राउज़र है कैपरी स्टाइल बना हुआ है, और ये उससे बड़ी वाली का है, ये बलोची फ्रॉक है, आजकल बहुत चल रही है इसलिए मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया था। ये बाजू में बहुत अच्छी कढ़ाई है इसकी, ये देखें डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी है इसकी, ये इसलिए मुझे पसंद आया था मैंने ले लिया। ये शॉर्ट ट्राउज़र है इसका, ये इसके भी फ्रंट पे कढ़ाई है बहुत अच्छी है, इसका कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है क्योंकि कलर बहुत अच्छा है, इस पर कढ़ाई भी बहुत अच्छी लग रही है, कलर बहुत अच्छे इसके ऊपर है। हाँ जी वीवर्स, ये लोन के मैंने प्रिंट सूट लिए थे, ये तीनों बहनों के छोटियों के, मैंने कहा ये प्रिंट वाले सूट है, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी, ये मेरी सिस्टर ने सिलाई करके भेजे हैं क्योंकि इनके पापा गए हुए थे उधर, तो उसने कहा था कपड़े भेज दो मैं सिलाई करूँगी इनके, तो ये देखिए उसने कितने अच्छे सिलाई करके भेजे हैं इनकी खाला ने। ये गले का डिज़ाइन देखे, ये इसने अनरखा स्टाइल बनाया है, लैस लगा के, ये देखे बटन वगैरह लगाए हैं, ये गुम प्लेट उसने डाले हैं, बहुत अच्छा स्टाइल उसने बनाया है। ये बाजू के डिज़ाइनिंग देखे, ये बहुत अच्छी इनकी खाला ने डिज़ाइनिंग की है। ये लॉन्ग क्या प्रिंट सूट है, ये घर में सिलाई की है, ये हिबा मुबीन का है, ये भी उसने बहन की तरह का इसकी सेम उन्होंने सिलाई की है, दो तीनों का एक ही कलर का प्रिंट था। मैं आपको रीम फातिमा के बाद में दिखाती हूँ, ये पहले मैं बड़ियों को दिखा रही हूँ। हाँ जी वीवर, ये देखे ये दूसरा सूट है हिबा मुबीन का, और उससे बड़ी वाली बेटी का मेरी का, ये देखिए प्रिंट बहुत अच्छा था, ये साथ कैपरी उसका है ये प्रिंट, और ये साथ फ्राक है, ये बलोची फ्राक बना के भेजा मेरी बहन ने, ये गले की डिज़ाइनिंग बनाई है साथ, ये देखें ये चूंटियाँ बनाई है सैंडों पे बलोची फ्राक की, ये ऊपर लैस की डिज़ाइनिंग की हुई है, ये हिबा मुबीन का है, ये गले पर फ्रिल लगाई है और इसकी ये लैस सेंटर पर लगाई है पेटी के अंदर, ये पेटी स्टाइल उसने फ्राक बनाया हुआ है, ये साथ इसका भी कैपरी है, ये प्रिंट बहुत अच्छा था, ये भी इनका सूट सिल के अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी वीवर, ये देखे ये रीम फातिमा के हैं, ये रीम फातिमा में कि इनके साथ के ही सूट बने हैं, ये रीम फातिमा का फ्राक देखें, ये लैस लगी हुई है, ये प्यारा सारा डिज़ाइनिंग की हुई है, ये रीम फातिमा के फ्राक के भी जी जी ऐसे बाजू का आगे ऐसा कलर, ऐसा कैपरी इनके साथ, ये डिज़ाइनिंग कैपरी के साथ की हुई है बाजू पर, ये भी फ्राक रीम फातिमा का है, ये देखे कितना प्यारा है, ये भी चुंटों वाला फ्राक बनाया है, ये साथ कैपरी है रीम फातिमा का, हाँ जी वीवर, ये देखे रीम फातिमा की ये शर्ट का पीस घर में पड़ा हुआ था, ये मेरी बड़ी बेटी ने खुद ही सी लिया डिज़ाइनिंग करके लैस की, ये घर में उसने खुद ही सिलाई की है, ये देखे ये अच्छा बन गया है, ये साथ क्लच लिया है हिबा मुबीन ने, ये बड़ी बेटी का सूट है अनरखा स्टाइल उसने बनवाया है, ये भी लोन का ही है, ये साथ लैस लगाई है, ये भी अच्छा बन गया है, ये पर्पल कैपरी है इसका। हाँ जी वीवर्स, हम बाज़ार तो गए थे लेकिन यकीन जाने बहुत ज़्यादा रश था, इतना रश था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, हमने मुश्किल से सिर्फ रहमान और मोहम्मद काशिफ के कपड़े ख़रीदे और वापसी में आ गए, दो घंटे वो भी मुझे दो ढाई घंटे लग गए थे, बहुत ज़्यादा रश था।
बस ये हमारी छोटी सी थोड़ी सारी शॉपिंग थी, मैंने कहा अपने वीवी के साथ शेयर कर लूँ। ये आपको पसंद आई होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। बाज़ार में जाने का कोई हाल नहीं क्योंकि कपड़ों की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। आजकल के जो हालात है उसमें घर का गुजारा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, ईद है, बच्चों का तो दिल करता है ना, जैसे कैसे भी करके बच्चों की शॉपिंग करनी पड़ती थोड़ी बहुत, इसलिए मैंने बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी। कोई बात नहीं, बच्चे हैं इनके लिए तो करनी, क्योंकि रिफातमा है ना, वो भी बार बार बातें इसके अंदर ही वीडियो के कर रही है, आप सुन रहे होंगे। हाँ जी व्यूअर्स, हमारी शॉपिंग पसंद आई होगी तो हमें ज़रूर बताएं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो बार वक्त आप तक पहुँचे, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। हमें सपोर्ट की आपकी बहुत ज़रूरत है, आप लोग पहले भी हमें सपोर्ट करें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।